हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है गाइस। ईयर ऐसे की जो कुछ पैरामेडिकल पोस्ट का डीवी आ चुका है, तो फटाफट से देख लेते हैं। दो स्टेट का आया है, तो अगर आपने इनसे भरा हुआ है तो रेडी हो जाइए, क्योंकि आपका डीवी आ चुका है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल रीजन का। ठीक है, पैरामेडिकल की जो पोस्ट है ये वही पोस्ट है जिनका दिसंबर में एग्जामिनेशन हुआ था और मार्च में, 7 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच में रिजल्ट आया था। ठीक है, तो चलिए 1 to 1 देख लेते हैं किस किस पोस्ट का डीवी होने वाला है। जूनियर रेडियोग्राफर है ना, और जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और फार्मासिस्ट पोस्ट। इसमें जो सिलेक्टेड लिस्ट, इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें 1 से 6 के बीच में है। ठीक है, दूसरी बात कर दूं कि आपका डीवी किस डेट को होगा। वो आपका होगा 25 जून को एट मॉर्निंग 11 AM। ठीक है, आपका एट वेन्यू सेंटर क्या है, वेन्यू क्या है, रीजनल ऑफिस ESIC कॉरपोरेशन, पंचदीप भवन, 5/1, ग्रैंड लेन, कोलकाता। ये ऑब्वियसली बात है, कोलकाता रीजन का है, जिस रीजन का होगा उस जगह ही होगा, मोस्टली ऐसा ही होता है। ठीक है, कुछ केसेस में जैसे कि SSC के केसेस में थोड़ा चेंजमेंट हो जाता है, पर कुछ ही केसेस में होता है, कभी कभार। दूसरी मैं आपको एक बात बता दूँ, विद द रेफरेंस ऑफ जो भी गाइडलाइंस है वो प्लीज वीडियो में पूरी देख लीजिएगा, क्योंकि आपके 90% डाउट्स, इवन 95 भी बोल दूंगा तो मैं गलत नहीं होगा, वो डाउट इस वीडियो में आपके खत्म हो जाएंगे। तो वेस्ट बंगाल रीजन के, और हाँ, दूसरा जो रीजन है वो है दिल्ली रीजन। ठीक है, तो दिल्ली रीजन वाले भी अलर्ट हो जाएं, नेक्स्ट वीडियो आपकी ये लिए है। तो चलिए वेस्ट बंगाल रीजन वाले कंप्लीट करते हैं। विद द रेफरेंस सिलेक्टेड लिस्ट जो 7 तारीख को और आई थी, विच वॉज पब्लिश्ड ESIQ वेबसाइट, ठीक है, ESIC.gov.in ऑन 8/3। जो मैंने आपको बताया था कि 7 तारीख को आया जरूर है, पर 8 को अपलोड हुआ है। ठीक है, तो 8 को आया था, ये रात में ऐसे ही 11 बजे के समथिंग आया था। ठीक है, ये जो कौंसल वगैरह नंबर है, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज टू फिक्स द डेट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर द शेड्यूल इन रेस्पेक्ट टू द प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द फर्स्ट सिलेक्टेड। देखो, मैं आप लोग परेशान हो रहे थे, एक सब्सक्राइबर बोल रहा था कि भाई मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, 3 महीने हो चुके सिलेक्टेड होते हुए, है ना। तो एक चीज मैं आपको बता दूँ, आपको 3 महीने हो गए हैं, मैं पिछले अक्टूबर में ही सिलेक्ट हो गया हूँ एक जगह। ठीक है, और वहाँ का अभी तक फरवरी में उसका डीवी का आया था, मतलब आप फाइनल सिलेक्टेड हो। ठीक है, अब डीवी की डेट के लिए या डीवी के लिए अभी तक नहीं आया, टाइम लगता है यार, पेशेंस, बी पेशेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके लिए, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर मस्ट बी ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, सपोर्टेड टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, रेस्पेक्टिव पोस्ट एट द टाइम ऑफ द वेरिफिकेशन। ठीक है, टू अटेस्टेड, देखो, टू सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, इसमें 2 लिखे हैं, 3 से 4 लेके जाना, बाय मिस्टेक कोई कागज डैमेज हो, आपने जैसे कि प्रिंटिंग कराया हो, फोटोकॉपी कराई हो, उसमें कोई एरर हो प्रिंटर का, तो उसकी वजह से आपके पास जो दूसरी फोटोकॉपी होगी तो उसको आप यूज कर सकते हो एज मेंशन। ठीक है, ब्लो, और हाँ एक चीज देखना, इसमें फोटो के बारे में फिलहाल यहाँ पे नहीं दिया गया, पर फोटो आपको लेके जानी है, मिनिमम 6 से 8 फोटो आपको मस्ट लेके जानी है ना, जो आपने फॉर्म में फिलिंग करी थी वही लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं, और अगर आपके पास कोई लेटेस्ट हो तो वो लेके आ सकते हो। पर एक चीज ध्यान रखना, इसमें फॉर्म फिलिंग करते वक्त मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि इन्होंने डेट मेंशन कराई थी कि नहीं, डेट ऑफ फोटोग्राफ या डेट ऑफ बर्थ या आपका नाम अगर मेंशन कराई थी तो वैसे ही आपको फोटो लेके जानी है। ठीक है, फेलिंग विच हिज एंड हर कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज कैंसर, ठीक है, अगर वो ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाता है डीवी के टाइम तो उसे का कंडीशन हम कैंसिल कर सकते हैं। देखो, दूसरी बात है, द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/10/2023 विल बी अ क्रूशियल डेट, ठीक है, डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी विद रिगार्डिंग एज एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एक चीज और बता देना, यहाँ पे आपको जो आप अपने ओबीसी कैटेगरी के सर्टिफिकेट वगैरह के रिगार्डिंग में आप क्रूशियल डेट सोच रहे होंगे, ठीक है, EWS वाले भी सोच रहे होंगे, और मस्ट आपके जो 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 डॉक्यूमेंट है, जैसे कि MLT वालों के लिए जो आपका डिग्री डिप्लोमा जो है, फार्मासिस्ट वालों के लिए भी जो डिग्री या डिप्लोमा जो भी है आपका, है ना, तो जो भी ऑल ऑफ आपके जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा जो भी है एक्सपायर्ड, प्लस रजिस्ट्रेशन, मैं आपको बता दूं, जैसे कि फार्मासिस्ट की पोस्ट में रजिस्ट्रेशन मस्ट होता है। जूनियर MLT के अभी एक डीवी करा के आया कैंडिडेट, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए बोला है कि आप 7 दिन का उन्होंने टाइम दिया, 15 दिन का टाइम दिया, तब तक कर दें। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ये रीजनल ऑफिस का डिपेंड करता है, ये सब देखो हॉस्पिटल की मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कितना है ना, तो वो मैं आपको बता दिया। बाकी मैं आपको एक चीज कहूंगा, अगर अगर आपके में रजिस्ट्रेशन चलता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन मस्ट है, और उसकी क्रूशियल डेट है 30/10/2023। 30/10/2023 मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट, और इस डेट तक मतलब 30 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन या आपका जो भी कोर्स है, जो भी सिलेबस है ना, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और आपका ऑब्वियसली बात है, आपने जब फॉर्म भरा होगा तभी आपने ओबीसी ईडब्ल्यूएस क्लेम किया होगा, तो उसी फाइनेंशियल ईयर का आपको चाहिए होगा, मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और होपफुली 30/10/2023 से पहले का। ठीक है, दूसरी बात करूँ, प्रिंट आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप लोग परेशान हो रहे होंगे, अगर इन्होंने बोला है या तो आपके पास होगा, प्लस अगर ऐसा नहीं होगा तो ये ऑप्शन देंगे अगर नेसेसरी होगा। ठीक, दूसरा, एडमिट कार्ड इशूड बाई द ESSI एंड अपियरिंग बिफोर द ऑनलाइन टेस्ट। मैंने भी आपको पहले बताया था कि ESSI का जो एडमिट कार्ड है इन्होंने बता रहे हैं और मांग रहे हैं, तो इसलिए आपको ले जाना मस्ट है। तीसरा पॉइंट, तीसरी चीज आपको चाहिए, एसेंशियल डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट, जो मैंने आपको बताया दिया लास्ट डेट क्रूशियल कितनी है, और सारे एसेंशियल 10th 12th एंड ग्रेजुएशन या डिप्लोमा जो भी आपका ले आए, और रजिस्ट्रेशन। और एक चीज ध्यान रखना, अपनी आधार कार्ड, देखो नेक्स्ट लाइन यही है, गवर्नमेंट अप्रूव फोटो ID, ठीक है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, जिसमें कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड एंड पासपोर्ट। एक चीज मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट प्रेफरेंस वो ये है कि आपने जो अपना आईडी लगाई है फॉर्म फिलिंग करते वक्त उसको लेके जाना है, और प्लस एडिशनल 2 ID कार्ड लेके जाना है, जिसमें एक आईडी आपको मस्ट ही लेके जानी है, पैन कार्ड,
सैलरी का काम होने वाला है ना, तो बिना पैन कार्ड के तो कुछ ना हो रहा, तो ये चीज दिमाग में रखना। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल वाले कैंडिडेट, ठीक है, अगर आप लोग लैंग्वेज अगर इशू अगर हो रहा हो हिंदी की वजह से, तो आप कमेंट बॉक्स कर देना, मैं इस वीडियो को कंप्लीट इंग्लिश में बना दूंगा, ठीक है। आई वैली वेल वेल वर्स्ट इन दिस, ठीक है। एज प्रूफ, ठीक है, एज प्रूफ सर्टिफिकेट, तो सीधी सी बात, मैंने आपको बताया था मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी एज 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 प्रूफ सर्टिफिकेट, आपकी जो कोई भी आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ भी, अब तो आधार कार्ड में मेंशन भी आ गया है कि ये डेट डेट प्रूफ का कोई भी एक वैलिड, मतलब इससे वैलिडेट नहीं की जाएगी डेट प्रूफ। आप अगर अगर आप डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट कर पाएंगे अपना आधार कार्ड, तो उसमें ये चीज मेंशन है ना। तो आपकी ऑब्वियसली जैसे स्ट्रेंथ की मार्कशीट को ही हम लोग एज प्रूफ मानते थे, तो वही चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एस सी एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए दूसरी लाइन है, क्योंकि इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है, पर चीज तो सारी रिजर्वेशन ही है ना, ठीक है। इशूड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ठीक है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी मस्ट ब्रिंग इन द लेटेस्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, इन प्रिस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विद द फॉर्म ऑफ द डिक्लेरेशन एज अपलोड विद द एवर रिजल्ट। देखो, इन्होंने बोला है कि आपके पास जो लेटेस्ट सर्टिफिकेट हो वो लेके जाइएगा। मैंने आपसे पहले भी वीडियो में बोल रखा है कि आपके पास पिछले साल का होगा ही होगा, नया आपको बनवा लेना चाहिए था। मैं अभी से नहीं कह रहा हूँ, जब 7 तारीख को 8 तारीख को रिजल्ट आया था तब भी मैंने वीडियो बनाई थी कि अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लो, अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लो। कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप थोड़ा 10-20 रुपये या 15 रुपये का सर्टिफिकेट बन जाता है ना, या जैसे कि आप साइबर कैफे जाओगे तो 50 या 70 रुपये लगते हैं, मेरे यहाँ 70 रुपये लगते हैं, ठीक है, पर सर्टिफिकेट के, है ना, मार्केट में। तो इससे ज़्यादा क्या होगा यार, एक सैलरी में लाखों सर्टिफिकेट बन जाएंगे इतने तो तुम्हारे, है ना। तो ये चीज़ है, कुछ चीज़ें मेंटेन कर जाते हैं। और देखो, अभी भी नहीं मिला तो फटाफट जाओ अभी जाके वीडियो को यहीं छोड़ दो, है ना, और जाके अप्लाई कर जाओगे, फिर वीडियो देख लेना आके। दूसरा, अब मैं बात कर लेता हूँ, है ना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द इनकम सर्टिफिकेट, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिसेबिलिटी सर्टि, एक चीज मैं आपको बता दूँ, ओबीसी एससी एसटी वाले, है ना, ये चीज दिमाग में, स्पेशली ओबीसी वाले, ठीक है, क्योंकि इनका टंटा ज्यादा बढ़ता है। एक चीज सुन ले, आपका सेंट्रल वाला लगेगा, क्योंकि ये पोस्ट जो है ना वो सेंट्रल वाली है, ठीक है। अगर स्टेट की होती तो उस स्टेट पर्टिकुलर स्टेट का लगता, आपका सेंट्रल की पोस्ट ईएसआईसी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ का लगेगा, है ना। और सेम एससी एसटी में भी चलेगा, और अगर वहाँ आपको रिलैक्स मिल जाए तो बेटर है, वैसे मेरे ख्याल से सेंट्रल वाला ही चलेगा। दूसरा, आपको देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आपके सर्टिफिकेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर के पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए ये वैलिड है, उसमें लिखा हुआ ओबीसी वालों के लिए, मैं बता दूँ आपको, है ना। दूसरा, ईडब्ल्यूएस वाले, आप ये कह रहे होंगे देखो इनकम सर्टिफिकेट और एसेट सर्टिफिकेट कैसे पता करेंगे, सीधी सी बात है, आप इनकम सर्टिफिकेट जब इशू करवाएंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो आपको दोनों सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, एक तो इनकम सर्टिफिकेट भी लेके लगेगा तभी आपका ईडब्ल्यूएस बनेगा। तो आप इन दोनों सर्टिफिकेटों को, ईडब्ल्यूएस एंड इनकम सर्टिफिकेट को, दोनों को आप जब वहाँ प्रेजेंट करेंगे तो वही चीज़ आपकी मान ली जाएगी, क्योंकि सारे एसेट्स और इनकम्स आपकी ये इनकम सर्टिफिकेट में दर्ज किए जाते हैं, तभी आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। नेक्स्ट, सॉरी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ द पीडब्ल्यूडी, अगर आप पीडब्ल्यूडी से आपने क्लेम किया है तो आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जरूर ले जाएं, और होपफुली लेटेस्ट ले जाएं, उसके रिगार्डिंग कोई क्रूशियल डेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आपने एक्स सर्विसमैन है तो मैंने आपको बताया था डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ले जाना है, एनओसी लेके जानी है ना, अब आप रिलैक्सफुली छोड़ सकते हैं, मतलब ये चीज होना चाहिए, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मस्ट है। बहुत से लोग कमेंट में पूछते हैं कि हमें क्या लेके जाना, क्या लेके जाना, प्लस आपकी जो एक सर्विस बुक होती है जो ऑनलाइन मानव सभ्यता से डाउनलोड हो जाएगी, आप वो भी लेके जानी है, क्योंकि वो चीज़ उसमें काउंटिंग आपकी एड अप हो जाएगी, तो ऑटो अपडेट हो जाएगा ऑनलाइन ही, तो वो चीज़ आपकी मस्ट वहाँ जरूर पड़ेगी। और तो प्रिंट आउट निकाल के ले जाना, ऐसा मत ले जाना कि हम वहाँ पे फोन में देखेंगे, कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो फोन्स वगैरह बाहर रखवा ले जाते हैं डीवी में, बता रहा हूँ, है ना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अभी रिसेंटली किसी का डीवी हुआ उसमें ऐसा हुआ है। द कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग इन द गवर्नमेंट ऑफिस, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, पीएससी उसमें पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, ऑटोनोमस बॉडी या स्टेचुअरी बॉडी में काम कर रहे हैं, इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनओसी सर्टिफिकेट, उनको एनओसी सर्टिफिकेट भी, उनको एनओसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, जो भी कहीं पे भी इन इस तरीके की किसी भी कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, दैट्स इट, आपको वहां से एनओसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, अगर आप वहां से सैलरी ग्रैब कर रहे हो तो तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा आपको। फ्रॉम हिज एंड हर पेरेंट द डिपार्टमेंट एट द टाइम ऑफ द वेरिफिकेशन, वो चीज मैंडेटरी है, और बिना उसके डीवी आपका प्रोसेस नहीं होगा। नेक्स्ट, द प्लीज नोट दैट द कॉलिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द डीवी डज नॉट कन्फर एनी राइट अपॉन द कैंडिडेट हैज एंड फॉर हिज अपॉइंटमेंट फॉर द कंसर्न पोस्ट, द कैंडिडेट मे बी प्योरली प्रोविजनल। देखो, आपको डीवी के लिए बुलाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो गया, आप प्योरली प्रोविजनल हो, और मिनिमम 2 साल तक, एक साल से लेकर 2 साल तक आप प्रोविजनल ही रहोगे, ठीक है। आपका जब डीवी प्रोसेस हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, आपकी सैलरी भी आपकी कुछ अभी कम रहेगी, फिर बाद में कंप्लीट एरियर बन के अलावा साल डेढ़ साल 2 साल बाद जब आप परमानेंट हो जाओगे तब मिलेगा आपको। तो इसका मतलब कि ये परमानेंट पोस्ट नहीं, परमानेंट ही पोस्ट है, बट ये चीज प्रोसेस सभी जगह होती है। कि अगर आपकी कोई जगह की किसी भी और आपकी गतिविधि पाई जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी गड़बड़ पाई जाएगी, तो आपको निकाला जा सकता है, दैट्स इट। नेक्स्ट, इफ एट एनी स्टेज, तो इस ये अगले 2 साल बड़े संभाल के जॉब करनी है, किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करना, स्पेशली सीनियर से, और लड़ाई दंगा तो कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इस ये जो कुछ छोटे छोटे माइनर ऑफेंसेस होते हैं जिनके सहारे से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, और वो चीज़ आपको
डिसोन कर सकता है इस पोस्ट से, इस चीज का रीजन है। इट इज फाउंड दैट ही एंड ही शी इज इन्वॉल्व इन द माल प्रैक्टिस इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस इज एंड हर्स द सिलेक्शन अपॉइंटमेंट शैल बी समरी एंड कैंसिल्ड। ठीक है, किसी भी तरीके का आप जैसे कि आपने एग्जामिनेशन में कोई भी गतिविधि करी हो तो उसमें पाए जाते तो कैंसिल किया जाए। मैंने आपको सारा हिंदी में समझा दिया, सब कुछ यही लिखा हुआ है। एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन शैल बी इनिशिएट अगेंस्ट हिम, और हाँ आप पे केस भी किया जा सकता है। Next, the further, please note that if at any stage it is found that he and she is not eligible based upon the submitted document, and his and her selection appointment shall be summarily cancelled. अगर आपके डॉक्यूमेंट बेसिस पे आप किसी भी स्टेज पे अगर आप नॉट एलिजिबल पाए जाते हो, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपका टाइम मतलब रजिस्ट्रेशन है इन टाइम नहीं है, 30 की जगह 31 को आया है ना, तो भी आप इन टाइम नहीं माने जाओगे, तो ये चीज दिमाग में रखना। फर्दर मोर द कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट टू स्टे एंड अपियर फॉर द डीवी एंड द टीएडीए विल नॉट बी एडमिसिबल फॉर द अपियरिंग फॉर डीवी टीम बिफोर द एक सीरियस वाला डीवी के लिए कोई पैसे भी तो नहीं देता, पैसे तो बाद में मिलेगा सैलरी में सब वसूल हो जाएंगे भाई, है ना। तो ये जो है रौनक सिंह सर रौनक सिंह डीवाई डायरेक्टर मेडिसिन एडमिन, ठीक है, फॉर द एडिशनल कमिश्नर एंड द रीजनल डायरेक्टर वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम रीजन का, ये इनके द्वारा साइंड है, डिजिटली साइंड है, ये 11 तारीख को ये आया हुआ है रात के, ये नहीं रात के नहीं दिन के ही होगा भी। चलो जो भी है ना, दैट्स इट। तो आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, आप लोगों की लिस्ट सिलेक्टेड लिस्ट अगर आपको नहीं पता है तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, ठीक है। फिर भी नहीं पता है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे भी विजिट करके उसको ग्रैब कर सकते हैं, और आपकी ऑफिशियल मेल आईडी पे भी डीवी के रिगार्डिंग कुछ अपडेट आ ही गई होगी या फिर आने वाली होगी। फटाफट से अपनी ऑफिशियल ऑफिशियल मेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर एक्टिव कर लीजिए, अगर रिचार्ज नहीं हो तो उसको रिचार्ज कर लीजिए, दैट इज टू मस्ट मैंडेटरी टू बी एक्टिव एट द टाइम अंटिल द प्रोसेस नॉट टू बी एंड, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट डीवी कैंडिडेट की लिस्ट के साथ, ठीक है, डीवी वालों के लिए, सॉरी दिल्ली वालों के लिए, जय हिंद।